तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। और अभी मैं देखिए मौजूद हूँ अपने वाराणसी का एक छोटा सा गांव है। और फिलहाल देखिए आज मेरा कोई जो ब्लॉग जो है, जो मेरा कंटेंट है, वो आ नहीं पाएगा क्योंकि आज थोड़ा सा मैं बिजी हूँ। क्योंकि मेरा एक मित्र है, उसी का आज बन रहा है घर, यानी कि इसमें ढलैया जो कार्य होता है वो वही हो रहा है। तो मैं फिलहाल छोटा मोटा जो कार्य था मैं वही कर रहा था। फिलहाल मैं अभी बैठा हूँ, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जो कि ढलैया कार चल रहा है। बहुत से लोग के दिमाग में ये भी शायद चल रहा हो कि क्या ऐसा कहीं नहीं ना है कि मैं ही बनवा रहा हूँ घर, तो भाई ऐसा कुछ है नहीं। और देखा है तो मैंने यूट्यूब से अभी तक ऐसा पैसा मैंने नहीं कमाया है कि मैं एक अच्छा खासा मैं ज़मीन भी ले लूँ और मैं घर मकान भी बनवा लूँ। बस खाली टेम्परेरी रोजी रोटी चल रहा है आप लोग के दुआ आशीर्वाद से। तो चलिए बैक कैमरे से दिखाते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये सामने वाला है, काफ़ी लंबा चौड़ा यह नई यानी कि जो ज़मीन है बड़ी मुश्किल से इसे लिया गया है और बड़ी मुश्किल से यह घर भी बन रहा है। क्योंकि आज के महंगाई के ज़माने में यानी कि जो मिडिल क्लास फैमिली जो है उसके लिए तो समझिए कि मुश्किल है। और जो पैसा कमा रहा है 2-4 लाख रुपया महीना, तो उसके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है घर मकान बनवाने का और ज़मीन जायदाद खरीदने का। तो हम लोग छोटे मिडिल क्लास से हैं तो इसलिए देख रहे हैं ये सब जो बनवाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगा और बड़ी मुश्किल से ये बन भी रहा है। ये देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये सीन कुछ इस प्रकार है। फिलहाल अभी छत पे कार चल रहा नहीं था जिसकी वजह से मैं नहीं दिखा पाऊँगा, नहीं तो छत पे भी चढ़ने का व्यवस्था नहीं है, नहीं तो मैं चढ़ के भी आपको दिखाता। तो दोस्तों इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन में दे दूँ कि आज मेरा ब्लॉग नहीं आएगा। और फिलहाल जैसा कि मैंने बताई दिया है कि ये मेरा घर नहीं बन रहा है, और मेरा जब घर बनेगा तो मैं आपको डिटेल में पूरा बताऊंगा। और फिलहाल देखिए मुझे नहीं लगता है कि 2-4 साल में मेरा घर बने और मैं कहीं जगह ज़मीन भी ले पाऊँ, क्योंकि ऐसा कुछ कमाई भी नहीं है, ना ही मेरा आरओ फिल्टर के माध्यम से ऐसा कुछ कमाई हो पा रहा है, ना ही यूट्यूब के माध्यम से। बस खाली आप लोगों का दुआ आशीर्वाद है जिसकी वजह से मैं अभी यूट्यूब पर मैं टिका हुआ हूँ। अगर और कोई रहता तो वो छोड़ देता। और देखिए मैं भी बीच में काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान था, मैंने सोचा क्यों ना मैं यूट्यूब को छोड़ दूँ, लेकिन बस खाली आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से अभी तक मैं यूट्यूब पर टिका हूँ। और कोशिश करूँगा कि आने वाले समय तक यानी कि 10-20 साल तक भी मैं यूट्यूब पर टिका रहूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।